जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान, इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। आप जानते हैं कि वीर आपके शरीर के अस्तित्व का आधार है, चाहे आप पुरुष हो या महिला, क्योंकि यह आपका 50% हिस्सा है। हाँ, हमारे पास त्वचा है, हमारे पास कोशिकाएं हैं, हमारे पास बाल हैं, हमारे शरीर के कई अन्य पहलू हैं, दिल, लिवर, किडनी, बहुत सी चीजें हैं। इन सभी कोशिकाओं में अपनी अलग अलग शक्ति है। But semen is of an extraordinary level of potency, it can create a whole new life. पर वीर्य में असाधारण शक्ति है, ये एक नया जीवन बना सकता है। आज आप एक उपकला यानी एपिथेलियल कोशिका लेकर प्रयोगशाला में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लोन बना सकते हैं, ठीक है? तो क्षमता यहाँ भी है, पर उस तरह की क्षमता नहीं है जितनी की उस कोशिका में है जिसे आप वीर्य कहते हैं। तो यौगिक संस्कृति में इसे वीर्य कहा जाता है। वीर्य का एक अर्थ वज्र भी है, जिसका अर्थ है स्थिरता या हीरा, स्टेबिलिटी और डायमंड, जो सबसे कठोर चीज है। तो मानव शरीर में वीर को वज्र के समान माना जाता है। इसका मतलब है कि ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है, अगर आप इसका उपयोग करना जानते हो तो। मुद्दा ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी मजबूरी किस स्तर पर है। प्रिश शरीर की किसी भी चीज से क्या हम एक अलग स्तर का काम कर सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ वीर ही नहीं, इस शरीर की हर चीज को रूपांतरित किया जा सकता है। आपके शरीर और आपके मन के हर आयाम को आप किसी जबरदस्त चीज में बदल सकते हैं या इसे औसत दर्जे का या एक गंभीर समस्या बना सकते हैं। आपके जीवन का हर पहलू, यही जीवन के इस पहलू के लिए भी सच है। ये वही ऊर्जा है। देखिए, लोग इसका शाब्दिक अनुवाद कर रहे हैं, पर अगर आप उपकलता यानी एपिथेलियल कोशिकाएं बनाना चाहते हैं तो शरीर इस पर जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसके मुकाबले अगर आप एक वीर्य की कोशिका बनाना चाहते हैं तो शरीर जितनी ऊर्जा खर्च करता है वो बहुत अलग है। इसे वैज्ञानिक रूप से स्थापित किया जा सकता है, इसलिए जब आप इतनी ऊर्जा का निवेश कर रहे हैं तो जाहिर है कि अगर आपको खोजना आता हो तो इसमें क्षमता है। नीम और हल्दी एक जबरदस्त प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इससे ऐसा होता है कि आपकी ऊर्जा समान रूप से बढ़ती है, और जब आप ये समझना शुरू कर देते हैं तो आप ऊर्जा को अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां भेज सकते हैं। ऊर्जा को अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां भेजने का मतलब है, अगर मैं आगे बताऊंगा तो लोग हर तरह की चीजों की कल्पना शुरू कर देंगे, इसीलिए मैं कम बोलूंगा। पर जैसे मैं अभी बोलना चाहता हूं, अगर मैं अपनी ऊर्जा को अपने गले में सचेत रूप से केंद्रित करूं, ऐसा कई गायकों और दूसरे लोगों के साथ हो सकता है स्वाभाविक रूप से, पर अगर आप ऐसा सचेत रूप से करें तो आप देखेंगे कि आपकी बात का एक अलग असर होगा। अगर आप किसी चीज को देखते हुए अपनी ऊर्जा को अपनी आंखों की ओर बढ़ाएं, पूरी ऊर्जा नहीं पर ज्यादा ऊर्जा वहां हो, तो आप देखेंगे कि आपकी नजर शक्तिशाली हो जाएगी। सभी की आंखें हैं शायद 20/20 नहीं, मैं साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नजर की बात कर रहा हूं। हमें इस नंबर का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। 20/20 का मतलब लोग ऐसे हो जाते हैं। तो शायद आपकी दृष्टि सामान्य हो पर शक्ति एक सी ना हो, सभी एक जितना नहीं समझ पाएंगे, एक सी गहराई से नहीं समझ पाएंगे। इस तरह कई पहलू हैं। आप अपने हाथों से कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ऊर्जा अपने हाथों में केंद्रित कर सकते हैं तो आपका स्पर्श एक अलग स्तर का होगा। तो अगर ऐसा होना है तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह है कि सिस्टम में ऊर्जा ठीक से भटी हो। खाली पेट नीम और हल्दी खाने से इस दिशा में चमत्कार करता है। जो लोग किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके दूसरे आयाम हैं। अगर हम इस नीम और हल्दी का उपयोग खाली पेट करते हैं तो एक पहलू ये है कि इसमें आपकी ऊर्जा के एक आयाम को दूसरे में बदलने की शक्ति है। इस अर्थ में योग संस्कृति में इसे अच्छे से समझना होगा। डॉक्टरों का कहना है कि यदि आप बहुत ज्यादा नीम खाते हैं तो यह शुक्राणु कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। ये उस बात का अच्छा प्रमाण है जो हम हजारों वर्षों से कह रहे हैं। देखिए, अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। आज आधुनिक विज्ञान पहचानने लगा है कि वो कितनी अलग हैं। आपकी त्वचा की कोशिकाएं, आपकी अस्थि मज्जा, आपके शुक्राणु, आपका दिमाग, ये सभी अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं। लगभग एक अलग जीवन ही है, हालांकि वो सभी एक ही जानकारी में पिरोई हुई हैं। वो बहुत बहुत अलग हैं। और एक चमड़ी की कोशिका पैदा करने में शरीर जितना काम करता है और एक शुक्राणु पैदा करने में जितना काम करता है, एक दूसरी कोशिका जैसे न्यूरोलॉजिकल कोशिका पैदा करने में जितना काम करता है, शरीर के साथ ऊर्जा की भागीदारी अलग स्तर पर होती है। बहुत से लोग इस पर सवाल उठाएंगे, लेकिन वो 25 या 50 साल के बाद मान जाएंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। तो मानव जीवन का एक आयाम है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप इस चमत्कार को समझें, कामुकता के बारे में ना सोचें। बस एक ही कोशिका से दो ठीक है, पर बस एक सेल से आप एक नया जीवन प्रज्वलित कर सकते हैं जो इस तरह यहां बैठता है। क्या यह छोटी बात है? मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि लोग अपने सिर में बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। वो इसका चमत्कार नहीं देख रहे हैं। बस एक सेल से देखिए जीवन किस तरह अंकुरित हुआ है और ये क्या बन गया है कि नहीं। हमने पूरी दुनिया को आबाद कर दिया है, हमें उसका कुछ करने की जरूरत है, वो एक अलग बात है। तो नीम और हल्दी मिलकर शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़ देते हैं और उन्हें ऊर्जा के दूसरे स्तर में ले जाते हैं, जिसे ओजस कहते हैं। जब आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे ओजस में लिपट जाती है, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपका ट्रांसमिशन अच्छा है और पूरे शरीर में एक सा है, जब शरीर की हर कोशिका ओजस में लिपट जाती है, ओजस का क्या मतलब है? ये है क्या? मुझे दिखाओ, मेरे खून की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कोई ओजस नहीं है। ठीक है, आपके खून की रिपोर्ट में जीवन भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें, उसमें बस रसायन है। किसी ने कभी साबित नहीं किया कि आप जीवित हैं। हेलो, आपको साबित करना होता है। तो हर सेल के चारों ओर ओजस भर जाएगा। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। यू विल बी अ ग्लोइंग ह्यूमन बीइंग विद इन एंड विद आउट। आप भीतर और बाहर से चमकेंगे। ये कुछ ऐसा है जिस पर सभी को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आत्मज्ञान नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। शरीर और मन प्लेटफॉर्म है। आप इस पर कैसे कार्य करते हैं, आप इस पर किस तरह का नृत्य करते हैं, पर एक ऐसे मंच का होना जरूरी है जिस पर आप टिक पाए। आपको यह समझने की जरूरत है, शरीर अंतिम चीज नहीं है, यह शरीर मंच है। यह मन एक मंच है। अगर आप इसे बहुत ऊर्जावान और स्थिर बनाते हैं तो उमंग और स्थिरता लोग ये नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि उमंग मतलब यहां वहां उछल कूद मचाना और स्थिर मतलब मौत। अगर प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं, यानी आप उमंग से भरपूर और स्थिर हैं, अब आप जैसा चाहें वैसा डांस करने के लिए आजाद हैं। इस दिशा में नीम और हल्दी बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर जब मदद मिल रही है तो उसका उपयोग क्यों ना करें। तो शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के संदर्भ में इसके कई पहलू हैं। तो ये एक संभावना है, एक ऐसी चीज का उपयोग करने के बारे में है जो आपको मदद करती है।
और एक ऐसे वातावरण का उपयोग करना जो आपको एक प्रकार की ऊर्जा में भिगोएगा, पूरे शरीर को नहीं, शरीर के हर कोशिका में ओजस की सुरक्षा परत होनी चाहिए, फिर आप रोग मुक्त और परेशानी मुक्त होकर जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही साथ उमंग से भरपूर और स्थिर रहते हैं।